वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। स्कूल या कॉलेज शिक्षा का मंदिर होता है, यहाँ किसी धर्म या मजहब की बात नहीं की जाती, पर कर्नाटक में मामला कुछ अलग है। यहाँ कुछ लड़कियां बुरखा पहनकर आ गईं और बदले में बच्चे भी भगवा स्कार्फ ओढ़कर आ गए। ले देकर ये स्कूल कम धार्मिक अखाड़ा ज्यादा बन गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे कर्नाटक में हिंदू संगठन सड़क पर उतर आया और बोला कि अगर ये हिजाब पहनने की लड़कियां अब कॉलेज या स्कूल में आती हैं तो पूरे राज्य में भगवा ही भगवा लहराएगा। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी बवाल के बीच प्रदेश सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी कर सभी सरकारी और निजी द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को अपनाना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री बासवाज बेमोइया के अध्यक्षता में बैठक के बाद कहा गया कि 8 फरवरी को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई तक ड्रेस कोड नहीं हटाया जाएगा। ये सरकार ने यहाँ पर तर्क दिया है कि ड्रेस कोड से संविधान की धारा 25 का किसी भी हाल में उल्लंघन नहीं होता। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म को लेकर आदेश किया है, जिसमें कहा गया है कि समानता, अखंडता और शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले कपड़ों को पहनने पर रोक रहेगी। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू किया है, जिसके तहत सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान तरीके से कपड़े पहनकर आना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है कि निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी स्कूल प्रशासन की ओर से तय किए गए यूनिफॉर्म को पहनना होगा। यदि किसी कॉलेज में ड्रेस कोड लागू नहीं होता तो उन स्कूल और कॉलेज में समानता और समुदाय सौदरता को बिगाड़ने का खतरा है। आपको बता दें कि पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा था कि छात्राएं कॉलेज परिसर में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में नहीं। वहीं मुस्लिम छात्राएं क्लासरूम में भी हिजाब पहनने पर अड़ी हुई हैं। पीयू कॉलेज का यह मामला सबसे पहले 2 जनवरी 2022 को सामने आया था, जब 6 मुस्लिम छात्राएं क्लासरूम के भीतर ही हिजाब पहनने पर अड़ गई थी। क्लास के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने कहा था कि छात्राएं कॉलेज परिसर में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में इसकी इजाजत नहीं है। इसके बाद हिंदू छात्र वहां पर उसी कॉलेज में भगवा स्कार्फ ओढ़ कर आने लगे, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। और इसके बाद जो सरकार ने फैसला लिया है, प्रदेश सरकार ने, इस पर यहां पर छात्रों की जीत मानी जा रही है, वहां पर हिंदुओं की जीत मानी जा रही है कि भैया अब उनकी किसी भी इस तरीके से हिजाब पहनकर क्लास में किसी को आने नहीं देंगे, अगर होता है तो भगवा स्कार्फ हर जगह लहराएगा। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।